चलिए बच्चों, दो तीन पॉइंट टू बी नोटेड कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट या जो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसको हम नेचुरल जो हमारे डीसी वाले एमीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं उनसे मेजर नहीं कर सकते। तो इनके लिए बस हम ऐसे कुछ वो लेंगे जो आरएमएस वैल्यू को मेज़र कर पाएँ, ऐसे एमीटर और वोल्ट मीटर लेंगे जो आरएमएस वैल्यू को क्या कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ। और पता है आपको, वो पहले भी पढ़ा था, जैसे हॉट वायर गैल्वेनोमीटर होता है वैसे ही होता है। हॉट वायर मतलब गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है ना, हीट से रिलेटेड वो चीज़ है। तो ऑर्डिनरी डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ऑर्डिनरी डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर कांट मीज़र ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ना ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेज़र कर पाते हैं, ना ऑल्टरनेटिंग करंट को मेज़र कर पाते हैं। देखो, यूनिट ऐसे बनी हुई है, वैसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही सब चीज़ है, ऑल्टरनेटिंग करंट उससे आया है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डीसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर कांट मेज़र एसी एंड एई एंड एसी, देयरफॉर वी यूज हॉट वायर एमीटर एंड वोल्ट मीटर विच इज़ बेस्ड अपॉन जूल्स हीटिंग लॉ या हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग लॉ या हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट, या तो वो जूल्स हीटिंग लॉ पे बेस होंगे या हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट पे बेस होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। एंड दे मेजर आरएमएस वैल्यू ओनली, क्योंकि देखो गैस मॉलिक्यूल के तो आरएमएस वैल्यू ज़्यादा फेवरेबल होती है ना, इसलिए तो आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं। अब एक और बात मैंने आपको पिछली बार बताई भी थी कि पानी का थैला हो, उसको बार बार ऐसे ऐसे करें तो ज़्यादा फैटल होगा, या एक ही बार ऐसे करें ज़्यादा फैटल होगा। तो विच इज़ मोर डेंजरस, ज़्यादा डेंजरस कौन है? 220 वोल्ट एसी सप्लाई, बोलते एसी हैं क्या करें, है ना, और 220 वोल्ट डीसी सप्लाई कौन ज़्यादा डेंजरस है? तो यार देखना पड़ेगा। एक तो देखो, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट बताऊँ तो उसमें ना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता वो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, मतलब ह्यूमन बॉडी में कैसा इफ़ेक्ट होगा फिजियोलॉजिकली। जो शॉक होता है एसी का, वो अट्रैक्टिव होता है, वो आपका खून जला के ही मानेगा, जबकि डीसी रिपेल करता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकली मतलब ह्यूमन नेचर में कैसा है, एसी शॉक इज़ अट्रैक्टिव, एसी का जो शॉक है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है, वाइल डीसी शॉक इज़ रिपल्सिव। ये एस और ये ऐसी की चीज़ है ना ये। जबकि अगर हम फिज़िकली बोलें, फिजियोलॉजिकली नहीं, फिज़िकली नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग, तो फिज़िकली क्या है, डीसी का जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है वो इतना ही आएगा, 220 वोल्ट। हालांकि आपको पता है इसमें लॉस्ट वोल्टेज भी होती है, पर मैं मान के चलता हूँ एक ऐसी बैटरी बन गई जिसमें बिल्कुल भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वो 220 वोल्ट देगी, जैसे ग्रेफिन हो गया, ठीक है। बट होता क्या है, इन एसी एक और चीज़ होती है आई नॉट, जो होती है आई आरएमएस या वर्चुअल का या इफेक्टिव का रूट टू टाइम्स, भूल गए, आई आरएमएस इज़ आई नॉट बाई रूट टू। और ये जो 220 वोल्ट है मैंने आपको बोला ही था, जो भी दिया हुआ आरएमएस होता है, तो 220 इंटू रूट टू मतलब 311 वोल्ट का हमें शॉक मिल सकता है, पीक वैल्यू में इतना मिलेगा, पीक में 311 वोल्ट का मिलेगा। तो आप बताओ 311 ज़्यादा है या 220? ऑब्वियसली 311 ज़्यादा है, तो एसी इतना झटका दे सकती है 311 का, तो विच इज़ मोर फैटल, ऑब्वियसली एसी इज़ मोर फैटल, एसी क्या है, ज़्यादा फैटल आपकी एसी हो गई। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक नई चीज़ देखेंगे क्या, कि अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, दो चीज़ें होती हैं ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सेमीकंडक्टर और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजी वाला फिजिक्स है, उसमें हम पे तीन तरह के एलिमेंट होते हैं,
तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फिजिक्स है उसमें बेसिकली हम पे तीन तरह के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। एक होता है हम पे इंडक्टर, इंडक्टर जो आप पढ़ के आ गए हैं कॉइल होती है। ऐसे कोई भी इंडक्टर नहीं होगा जिसका रजिस्टर ना हो, और ऐसा कोई भी इंडक्टर हो सकता है जिसमें क्या ना हो, क्या मैंने गलत बोल दिया, देखते हैं। ऐसा कोई भी इंडक्टर नहीं होता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, बट ऐसे बहुत से रेजिस्टर होते हैं जिनका इंडक्टर ना हो, उसे बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये हमने पढ़ाई था पिछली बार। तो इंडक्टर यार एल से डिनोट होता है, हेनरी इसकी यूनिट होती है। और एक होता है कैपेसिटर, जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था, कैपेसिटर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। यार रजिस्टर की यूनिट आपको पता है ओहम होती है, यार इंडक्टर की यूनिट आपको पता है हेनरी होती है, और कैपेसिटर की भी यूनिट आप पढ़ के आए हो फैरड होती है। फैरड इज़ वेरी बिग क्वांटिटी, हेनरी इज़ वेरी बिग क्वांटिटी, तो ये माइक्रो या मिली में होता है। जनरली हम माइक्रो फैरड यूज़ करते हैं और हेनरी के लिए यूज़ करते हैं मिली हेनरी, रजिस्टर तो आर ही होता है। ठीक है, फिर इसका सिंबल, रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है फिक्स, ये फिक्स के लिए होता है। और अगर वेरिएबल हो तो आपको पता ही है, इसको ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, ये हमारा वेरिएबल होता है। यार इंडक्टर की भी ऐसी कुछ कहानी है, इंडक्टर को हम ऐसे बनाते हैं कॉइल से, तो ये फिक्स इंडक्टिव वैल्यू का है, और उसके बाद एक होता है वेरिएबल इंडक्टिव वैल्यू का, ऐसे ये हमारा वेरिएबल है। और फिर इसके बाद बच्चों जैसे ये है कैपेसिटर, तो आपको पता है कैपेसिटर फिक्स तो ऐसे बनता है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से दिखाते हैं ना, फिक्स है। और वेरिएबल आपको पता है बस एक एरो बनाना है, ये ठीक है, ये आपका वेरिएबल होता है। बात कर लेते हैं आखिरी चीज़, फिर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टर का काम क्या होता है, कि टू अपोज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या टू अपोज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, करंट को ही अपोज करता है। जबकि इंडक्टर का काम क्या होता है, इंड्यूसिंग करंट या रेगुलेटिंग द करंट, या तो इंड्यूस करता है ये करंट को, इंड्यूसिंग करंट या रेगुलेटिंग करंट, रेगुलेटिंग करंट, या तो इंड्यूस करता है या क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद यार कैपेसिटर का काम आपको पता है, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है चार्ज और एनर्जी को, और इसका प्रिंसिपल भी आपको पता है। साइंस का मतलब ही क्या है, कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाना, साइंस यही होती है। साइंस में प्रोग्रेस कैसे होती है, कि कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। तो स्टोर चार्ज एंड एनर्जी मैक्सिमम इन स्मॉल स्पेस, सबसे ज़्यादा चार्ज और एनर्जी स्टोर हो जाए छोटे से स्पेस में। तो ये सारी बातें थी आपकी, छोटी मोटी मैंने बातें बता दी। ये भी यार मैटर के बने हैं, तो इनका अपना भी कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टर तो खुद ही रेजिस्टर है, इनका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सारी चीज़ें आप देख लो, अब हम इनको एसी सर्किट में लाने का काम करते हैं। हम ऐसे ऐसे इंडिविजुअल सर्किट देखेंगे जिसमें क्या हो, सिर्फ रजिस्टर हो, सिर्फ इंडक्टर हो, या सिर्फ क्या हो, या तो सिर्फ कैपेसिटर हो, या फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हम पढ़ना चाहेंगे इसमें, है ना, देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखूँ ज़रा, यही सीरीज चलेगी ऐसी, आगे पीछे होगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे। चलिए तो देखिए, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकते हैं इन सर्किट, या सर्किट कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। तो अब हम एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, या एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो, या एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो। मैं ये आपके उसमें कह रहा हूँ, सिलेबस के कोर्स के अकॉर्डिंग। चौथा है, ऐसा सर्किट बन सकता है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो। पांचवा, एक ऐसा सर्किट बन सकता है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर हो।
छठा एक सर्किट ऐसा बन सकता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हो। यार यहाँ पे एक चीज़ और होती है रेजोनेंस, जो आपने टेंथ में पढ़ी थी। एलसी में रेजोनेंस हो सकता है, ऑक्सीलेशन हो सकती है। रेजोनेंस पता है ना आपको क्या होता है? मान लो आप कभी कभार क्या होता है, बहुत स्लो गाड़ी चलाते हो बट वो बहुत हिलती है, आवाज़ करती है, इसे रेजोनेंस कहते हैं। जो आपकी चलने की फ्रीक्वेंसी है, घुमाने की फ्रीक्वेंसी है एक्सीलेटर को, और जो अपने आप जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो जो फ्रीक्वेंसी में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो दोनों मैच खा जाएं तो रेजोनेंस होता है और बहुत हाई एम्पलीट्यूड बनता है। ऐसा आपने सोल्जर वाले भी देखा होगा, जब वो मार्च पास्ट करते हैं ब्रिज से तो वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चलते, अपने कदम तोड़ के चलते हैं। कदम तोड़ के मतलब टांगे नहीं तोड़ देते, मतलब अगर एक 2 सेकंड में कदम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला 3 या 4 सेकंड में या 1 सेकंड में बढ़ाएगा, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। होगा तो ब्रिज में रेजोनेंस हो सकता है और क्या हो सकता है, आपका ब्रिज टूट भी सकता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें देख रखी हैं। फिर पांचवें आपने एक और देखना है, आर एल सी का सीरीज़ सर्किट। जहाँ भी एल और सी होगा, चाहे अकेला हो चाहे साथ में हो, वहाँ रेजोनेंस आएगा। तो इतने सारे आपको सर्किट देखने हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको इतने सारे टाइप के सर्किट देखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। कुछ चीज़ें विवादित होंगी यहाँ पे, मैं बताऊँगा, पहले लिखा रहा हूँ, बाद में एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी आएंगी कि जो बाद में ज़्यादा एक्सप्लेन होगी, बट यहाँ पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। कॉपी नहीं है ना हम पे, या वाइट बोर्ड में कर नहीं रहे, तो यहाँ पे करना ज़रूरी है वो उसको, है ना। एसी सर्किट कंटेनिंग, वहाँ स्टार लगा दूंगा जो बाद में समझ में आएगी। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो यार बना लेते हैं। तो यार एसी को आप डिनोट भी कैसे करते हो वो देख लो। ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे, कि कोई यहाँ पे पोटेंशियल या एंड पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता। हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव होगा वो अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव भी हो जाएगा, या आपने साइक्लोट्रॉन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। और यहाँ पे हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस आर। तो यार यहाँ हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा, मान लो अगर करंट ने एसी ने, ये एसी सप्लाई है, एसी ने अगर आई करंट भेजी, तो मान लो वो आई ऐसी है, आई अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो यार वी अक्रॉस रेजिस्टेंस भी यही है। मतलब इनके बीच में फेज़ क्या है, सेम है। फेज़ मतलब एंगल, एंगल चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, पर फेज क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं वी एंड आई आर इन सेम फेज। फेज क्या होता है पहले वो भी समझा दूँ मैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक तरह से, यहाँ पे नोट लिख लेना, तब थोड़ी आगे की कहानी बोलते हैं। सिंस वी एंड आई आर स्केलर क्वांटिटी, वी एंड आई है तो स्केलर क्वांटिटी, बट जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इनका इतना मोशन वाला सिग्निफिकेंस है, वोल्टेज भी एक तरह से मोशन है, मोशन में है, और करंट भी ऐसे तरीके से डायनेमिक मोशन में है, कि हमें इनको बीइंग अ स्केलर वेक्टर नोटेशन से डिनोट करना पड़ेगा। बट ये वेक्टर तो है नहीं, ना ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिनसे ये स्केलर क्वांटिटी कुछ देर के लिए वेक्टर जैसा बिहेव करे, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, पता है आपको? बोलो बोलो बोलो, कौन सी क्वांटिटी होती है वो, टेंसर। बोलो बोलो बोलो, कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर होती है या नहीं होती है, बोलो। टेंसर नहीं होती, टेंसर अगर तुमने किसी अपने सर से पढ़ा है या गलत पढ़ा है, फेजर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, फेजर क्वांटिटी। देयरफॉर दे आर फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, ठीक है। वी और आई है तो स्केलर क्वांटिटी, बट कुछ समय के लिए दे आर फॉर अ टाइम बीइंग ट्रीटेड एज फॉल्स वेक्टर। फॉल्स वेक्टर मतलब असली के वेक्टर नहीं है, या स्यूडो वेक्टर बोल सकते हो आप, स्यूडो वेक्टर सही होगा, स्यूडो वेक्टर्स कॉल्ड फेजर, फेजर्स या रोटेटिंग वेक्टर्स, या तो फेजर बोल लो या आप क्या बोल लो, रोटेटिंग वेक्टर्स बोल लो। तो वी और आई है तो स्केलर क्वांटिटी, बट कुछ समय के लिए हम इन्हें वेक्टर के जैसे मान के चलेंगे, और किसकी मदद से चलेंगे, फेजर या रोटेटिंग वेक्टर से। तो फेजर या रोटेटिंग वेक्टर का काम ही यही है कि स्केलर को थोड़ी देर के लिए क्या दे देना, मोशन वाली डायरेक्शन दे देना, यह है, ठीक है। तो यहीं फेजर से हमारा फेज आया, फेजर से डिनोट करेंगे ना वी और आई को, तो अब हमारा फेज आया, और यहाँ से हमारा ये एस्टेब्लिश हो रहा कि वी और आई क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। हेयर
वोल्टेज एंड करंट। सर ये वी कहाँ से आ गया, ये ई ही है, मैंने बोला था ना वी और आई, ई और वी एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये भी इंड्यू, ये भी आपका ईएमएफ ही ऑल्टरनेटिंग है ना, तो वी एंड आई आर इन सेम फेज, वी और आई जो है सेम फेज में, वो नोट लिख लेना यहाँ पे वाइट बोर्ड में, जो भी लिखता हूँ बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, लिख लिया करो। तो हेयर वी एंड आई आर इन सेम फेज। तो देखो यार हमने क्या करा है, या तो वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, और देखो फेज एंगल ना यहीं जुड़ेगा, जैसे 0, 20, 30, 45, 60, 90 ऐसे, ये नहीं जोड़ेंगे है ना, आज तो है ही नहीं फेज डिफरेंस। तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम ऐसे लिख सकते हैं। वी हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, ये चीज़ है। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस कितना आया, 0 डिग्री आया, ये आप याद रखना, फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री है, क्लियर है इतना। वी और आई किस में है, सेम फेज में है, ठीक है, ये और कुछ बता सकते हो यहाँ पे, तो नहीं और तो कुछ होता नहीं। हाँ यहाँ पे अगर आप, अगर रेजिस्टेंस आर और इनके रिलेशन बनाना चाहो तो आर होगा वी बाई आई, वी है वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल, आर वी बाई आई और वी नॉट बाई आई नॉट वी है। इससे समझे आप कि जो आर है वो रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट भी है, रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट भी है और रेशो ऑफ पीक वोल्टेज एंड करंट भी है, रेशो ऑफ पीक वोल्टेज एंड करंट भी है, पीक वोल्टेज एंड करंट भी है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें एक बात क्या है, तुम्हारा कन्फ्यूज़न ये होगा कि इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और पीक वोल्टेज एक ही है और इंस्टेंटेनियस करंट और पीक करंट भी एक ही है, नहीं अलग अलग हो सकता है पर रेशो सेम आए। मान लो रेशो 2:1 आ रहा, अब वी नॉट आई नॉट है 40/20 तब भी आएगा, मान लो 4/2 है तब भी आएगा। तो इंडिविजुअल वी नॉट और वी सेम नहीं है, आई नॉट और आई सेम नहीं है, बट रेशो सेम है, क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी बात मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रेजिस्टर जो है ना, जितना रेजिस्टर की करंट को ब्लॉक करने की एफिशिएंसी एसी में है उतनी ही डीसी में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये दोनों को ही ब्लॉक इफेक्टिवली उतनी ही एफिशिएंसी से करता है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़, डीसी में मैंने आपको बताया था इन डीसी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एक फैक्ट आप ये भी याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस कैन ब्लॉक, रेजिस्टेंस का धर्म ही क्या है, धर्म मतलब यहाँ पे उसका कर्तव्य क्या है, ठीक है, रिलीजियसली नहीं वैसे, रेजिस्टेंस कैन ब्लॉक एसी एंड डीसी इक्वली अफेक्टिवली, ब्लॉक करता है ना ये एसी एंड डीसी इक्वली अफेक्टिवली, बहुत आसानी से ये उतनी ही क्षमता से एसी और डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, क्लियर, साबश। अब एक काम करते हैं, इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम देखो मैंने पिछली बार भी बताया था तुम्हें कैसे बनता है ना, लिसाचो स्पीकर बताए थे जब, तब 11th में वेव में। तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, फेजर डायग्राम बनाएंगे, दो तरीके से बनाएंगे यार। जैसे फेजर डायग्राम में अगर मैं याद दिलाऊं तो कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसे जा रहा दूसरा ऐसे जा रहा, एंगल बनता है 0, ठीक है, एक ऐसा जा रहा दूसरा ऐसे जा रहा, एंगल बनता है 90, और एक ऐसा जा रहा और एक ऐसा जा रहा, एंगल बनता है 180, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फेजर डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे वी और आई का, ठीक है, ये टाइम है, हाँ टाइम तो है, तो चलिए आप इनका फेजर डायग्राम देखिए कैसा है, देखिए कैसा है। देखो ई और आई सेम फेज में इसलिए एक जैसे जा रही हूँ, एक जैसे यूँ, इस वाले को देखने तो कितना बढ़िया है, देखो ई और आई देखो सेम फेज में एक ही एंगल बना रहे हैं, देखो एंगल कितना है ओमेगा टी, सेम फेज में, फेज डिफरेंस 0 है पर फेज तो कुछ होगा ना, तो ओमेगा टी थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है यार, तुम्हें याद नहीं है, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, थीटा को हम 2π लेते हैं ना सर्किल के लिए, 2π/t, ओमेगा इज 2π/t, तो थीटा हुआ ओमेगा टी, तो मान लो इनिशियल फेज एंगल ओमेगा टी है, तो दोनों का ही ओमेगा टी है,
ई का भी है और आई का भी है। अब देखो ये जो है ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंगल बन गया ओमेगा टी, और ऊपर वाली चीज़ जो है ई और आई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक एरो देखो आई का आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक एरो ई का ई नॉट साइन ओमेगा टी। इधर साइड जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उधर साइड हम इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएंगे, जैसे आई की है आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई की है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ जो एरो आएगा वो होगा पीक वैल्यू के लिए, क्योंकि ई का एरो बड़ा बनाना है आपने तो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई नॉट, और आई का एरो छोटा बनाना है तो छोटी वाली वैल्यू आएगी आई नॉट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो दोनों सेम फेज़ में हैं, जैसा ई जाएगा क्योंकि ई हमेशा बड़ा ही है, जैसे ई जाएगा वैसे आई जाएगा, जैसे ई गया नीचे वैसे आई गया नीचे, जैसे ई आया ऊपर वैसे आई आया ऊपर, जैसे ई गया नीचे तो आई गया नीचे। ई की पॉजिटिव एम्पलीट्यूड भी सबसे बड़ी है और नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी सबसे बड़ी है। वेव नेचर है दोनों का क्योंकि दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई और आई ऊपर हैं और ओमेगा टी का है नीचे है, ये इनका क्या है फेजर डायग्राम देख लेना। अब हम देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कौन सा ओनली इंडक्टर ओनली, उसमें एक खास बात है देखो क्या है देखना अभी यह। चलिए अब हम देखेंगे ऐसे एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो। ठीक है, इंडक्टर आपको पता ही है क्या होता है, एसी को रेगुलेट करता है या इंड्यूस करता है, वही चीज़ है। तो देखो होगा क्या, ये हमने बनाया इंडक्टर, अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इंडक्टर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बनाए थे उसके नीचे बैटरी बनाने से डरता था। तो यहाँ पे एसी सर्किट है एसी, ठीक है, और यार इसमें हमने क्या देखा कि करंट तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना, ये आपका इंडक्टर हो गया एल, करंट तो आप बनाओगे ये करंट अक्रॉस इंडक्टर, बट यहाँ वोल्टेज ना ऊपर है, ये मतलब वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज एंगल है, ये हमने मेज़र करा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज मतलब वही है ईएमएफ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस इंडक्टर के बीच में क्या है 90 डिग्री का फेज़ है। आप खुद देखो लीड कौन कर रहा है फेज एंगल में, वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री किसको करंट को जो इंडक्टर के अक्रॉस है, हेयर वी लीड आई बाई फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। यार यहाँ पे सबसे पहली बात फेज डिग्री या फेज़ एंगल या फेज़ डिफरेंस बोल लो पाई बाई टू है या 90 डिग्री है, फेज़ एंगल पाई बाई टू या 90 डिग्री है, पहली बात तो आपको ये पता चली। और यहाँ पे क्या है सेम बात मैं कहना चाह रहा था, हेयर पहले तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, हेयर वोल्टेज जो है वी एल लीड कर रहा है किसको आई एल को, कितने फेज से पाई बाई टू फेज से, वी एल जो है लीड कर रहा है आई एल को, वोल्टेज लीड करंट बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो लीड दिखाएंगे, देखो लीड कैसे दिखाएंगे, मान लो मैंने आई एल तो लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने आई एल तो लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज में लीड दिखानी है तो कैसे बनाएंगे, वी एल इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने क्या सक्सेसफुली दिखा दिया कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है कितने फेज से पाई बाई टू फेज एंगल से, क्लियर, बहुत बढ़िया। या इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि यार करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड करेगा, एक आगे है तो दूसरा पीछे है, ऐसे बोल सकते हैं, अगर वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई टू से तो करंट लैग करेगा। तो एक तो या तो आप ये बोल लो या दूसरा क्या बोल लो, ये चीज़ जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि हेयर आई एल लेग वी एल बाई फेज ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू फेज से आई एल क्या करेगा लेग करेगा किसको वी एल को, क्लियर है इतना, शाबाश। तो देखो होगा कैसे, सिंपल सी बात है, मान लो वी एल अब जाके वी नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, वी वही है मैं दोबारा भूल लूँ जो आई है, अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि आई एल लेग करे। तो देखो मैंने कैसे दिखाया, आई एल इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जबकि पहले क्या था ऊपर प्लस पाई बाई टू था, तो बड़ा कौन था किसका फेज़ बड़ा था, किसका फेज़ एंगल बड़ा था, वी एल का। अब बताओ आप किसका बड़ा है, यार अभी भी तो वी एल का बड़ा है, देखो यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी से थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है, तो बड़ा कौन हुआ जिससे कुछ कम नहीं हो रहा, तो ऊपर वाला,
पर हमने इसे ऐसे फॉर्म में लिख दिया कि अब हमें तो ऐसा दिख रहा है कि करंट लैग कर रहा है कितने फेज से, पाई बाई टू फेज से, तो वोल्टेज लीड कर रहा होगा कितने फेज से, पाई बाई टू से, तो दोनों फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखो वी एल इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसकी जगह वी इज इक्वल टू, अगर आप वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखना चाहते हो तो आई को लिख दो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये चीज़ है, क्लियर साबश। अब यार देखो एक चीज़ है, जब आपने ये पढ़ लिया, हर नेचुरल इंडक्टर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा और हमें देखना है वो कितना होगा, तो हम ये लिखेंगे एवरी इंडक्टर कंटेन्स सम नेचुरल रेजिस्टेंस, और माइंड इट इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है, तो एवरी इंडक्टर कंटेन्स सम नेचुरल रेजिस्टेंस कॉल्ड, और इंडक्टर के केस में कोई भी मैटर होगा, वो यार मैटर का बना है, कोई भी सब्सटेंस होगा मैटर का बना है, कोई भी डिवाइस है, तो उसमें नेचुरल रेजिस्टेंस तो होगा, उसका आयन चाहेंगे थोड़ी कि उससे करंट पास करें, इलेक्ट्रॉन पास करें, तो ऐसे इंडक्टर भी उससे अछूता थोड़ी है, इंडक्टर में भी कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डिनोट करते हैं एक्सएल से, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको डिनोट करेंगे एक्सएल से, एंड मार्क माई वर्ड, इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, और एल की यूनिट तो होती है हेनरी, इंडक्टर जो है उसे हेनरी से डिनोट करेंगे, मैं चाहे कहीं लिख दूँ तो आप समझ जाना, एक्सएल तो एक तरह का रेजिस्टेंस है ना, इसे ओहम से डिनोट करेंगे, या ओहम से मेज़र करेंगे, या ओहम में मेज़र करेंगे, जबकि जो आपका इंडक्टर है जिसको आप एल से डिनोट करते हो, यार वो तो अभी भी आपका किस में है, हेनरी में है। अब भाई क्योंकि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस बोलते हैं इसे, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल है एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, वो हम मेज़र करेंगे, इसके कुछ रिलेशन एल के साथ भी होने चाहिए इंडक्टर के साथ, तो देखो रिलेशन क्या है कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, एंड मार्क माई वर्ड, इंडक्टर है हेनरी में और एक्सएल है ओहम में, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और साथ में क्या है एल। बच्चों अगर मैं एक्सएल और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन देखूं, तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी की कैसी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी की अगर डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर मैं इनके बीच का ग्राफ बनाऊं, एक्सएल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो ग्राफ सीधा बनेगा, ठीक है, यह है क्या देगा, वो कहने की बात है, डिबेटिंग है कि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बहुत से बोलते हैं 2 पाई एल देगा, बहुत से बोलते हैं एल देगा, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब आपको पता है कि डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, और अगर डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है, जीरो होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक्सएल बता सकते हो, फिर वहाँ कितना आएगा, एक्सएल डीसी सर्किट में आएगा जीरो, क्यों आएगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो ये वाली चीज़ भी क्या होगी, जीरो, और अगर एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो सिर्फ डीसी ही सर्किट ऐसा है जिसमें कोई भी इंडक्टर प्योर इंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। प्योर इंडक्टर क्या होना चाहिए, जिसका आइडल इंडक्टर क्या होता है, जिसका जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, कौन, कोई इंडक्टर, कहाँ, डीसी सर्किट में, ये चीज़ है, ठीक है। तो हेयर इंडक्टर कहाँ, हेयर कहाँ, डीसी में, हेयर इंडक्टर बिहेव आइडियल बिहेव करेगा एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू डीसी सर्किट, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा डीसी सर्किट को, ठीक है, एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू डीसी सर्किट, डीसी सर्किट को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडक्टर यहाँ आइडल बिहेव करेगा और कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, किसको, डीसी सर्किट को, बच्चों याद रख लेना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा, राइट डायमेंशन
ऑफ एक्सेल, एक्सेल के आपसे डायमेंशन पूछे निकालो। यार एक्सेल के वही होंगे जो रेजिस्टेंस के होते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेल वही होंगे जो डायमेंशन होते हैं रेजिस्टेंस के, ओहम के, दोनों सेम ही होते हैं। और आर होता है, आर कोई फंडामेंटल तो है नहीं, तो वी बाई आई लिखेंगे। आर होता है वी बाई आई। और पोटेंशियल का यार कुछ देखना पड़ेगा हमें, तो पोटेंशियल होता है, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, वी बाई आई। आई फंडामेंटल है ठीक है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, और यहाँ पे आई लिख दिया। वर्क का आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस आर, और ये चार्ज है, चार्ज को लिखेंगे आई टी, और एक आई और चल रहा है। क्या बवाल कर दिया सर ये, वर्क होता है पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, चार्ज को लिखा करंट इंटू टाइम, आई तो चल ही रहा है। अब निकालते हैं, कितना ईजी, देखो फोर्स के होते हैं एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का होगा एल, आई इंटू आई आई स्क्वायर बना, और टाइम का होता है टी। तो देखो डायमेंशन कितने आ गए एक्सेल के, एक्सेल के डायमेंशन आ गए एम एस ई, एल इंटू एल एल स्क्वायर, आई की पावर माइनस दो, टी की पावर माइनस थ्री, टी की पावर माइनस थ्री, आई मतलब एम्पियर की पावर माइनस दो, आई मत लिखना एम्पियर लिखना। तो एक्सेल के भी यही डायमेंशन आएंगे, ठीक है भैया। ग्राफ तो हमने बना ही दिया था। अब देखो एक नई चीज़ कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्योर न्यूमेरिकल बेस, ताकि ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो देखो क्या है, आपसे बोला आ 100, इसमें तो बढ़िया न्यूमेरिकल है आगे, 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग, अभी तो बस ये केक वॉक है, तो मान ले अभी न्यूमेरिकल अच्छे आएंगे। 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग इन अ 14 मिली हेनरी कॉइल, कॉइल आपको पता है इंडक्टर ही होता है, अगर उतना भी नहीं पता तो आंखें तो है ना, हेनरी, हेनरी किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है बच्चे, है ना। तो अब 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग इन अ 40 मिली हेनरी कॉइल, फाइंड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस आपको निकालना है। यार तो आप कोई बड़ी बात थोड़ी है, रिएक्टेंस मतलब एक्सेल होगा, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल के, ओमेगा एल होता है 2 पाई न्यू और साथ में एल। तो देखो 2 ऐसे रहा, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 100 हर्ट्ज, हर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है नेचुरल ये। और एल आपको दे रखा 14 मिली हेनरी, 14 मिली के लिए 10 की पावर माइनस 3, ये कर देंगे हो गया क्या। देखो ये इसके दो जीरो काट देगा, माइनस वन बचेगा, 10 की पावर माइनस वन इंटू टू आएगा 0.2। सर कैसे, 10 की पावर माइनस वन होता है अपॉन में 10, 2 बाई 10 हो गया 0.2, इंटू 3.14 है, इंटू 14 है, यार 14 टू जे 28 होता है, तो लगभग कितना आएगा 2.8 आएगा, इंटू 3.14, 3 टू जे 6 लगभग 7.2 ओम कुछ आएगा, 3 टू जे 6 ये तो 3 के बराबर है ना, हाँ 8.8 ओम ये रहा, ठीक है क्लियर है, बहुत बढ़िया ये। अब देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। देखो रेजिस्टेंस में क्या था, वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे। इंडक्टर में किसने लीड करा, इंडक्टर में वोल्टेज ने लीड करा किसको, करंट को, कितने फेज से, पाई बाई टू से। यहाँ करंट लीड कर जाएगा, पर करंट आप एक्स में ही बनाना हर समय, ठीक है। तो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, एसी सर्किट जिसमें क्या हो कैपेसिटेंस हो। तो यार अगर इसे बनाएंगे, कैपेसिटर आपको पता है फैराड में होता है, कंफ्यूज मत होना, इंडक्टर आपका हेनरी में होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका ओम में होता है। तो यार कैपेसिटर बनाया आपने, ये कैपेसिटर है, ये आपने एसी सप्लाई बन गई, यह है यार। करंट तो आपको इसके अक्रॉस किस में दिखानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस में, करंट आप एक्स एक्सिस में दिखाओगे ऐसे, तो ये होगी करंट अक्रॉस कैपेसिटर। तो आपको करंट को लीड भी दिखाना है और एक्स में भी दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे यार। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को नीचे बना देना वीसी, और अभी भी देखो लीड कौन कर रहा है, आई ही कर रहा है, क्योंकि देखो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में है पाई बाई टू में। तो बींग करंट को हमने कैपेसिटर में एक्स में बनाया, पर तभी भी वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, क्योंकि ये वी सी है, इसका नेगेटिव फेज एंगल है नीचे की तरफ, तो लीड कौन कर रहा है, आई कर रहा है, पॉजिटिव वाला हमेशा लीड करेगा।
ये तो नीचे है ना नेगेटिव वाई में, ये है। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो फेज़ एंगल कितना बना, पाई बाई टू या 90 डिग्री बना। यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंडक्टर में आप एक बार एक चीज़ याद रख लो, इंडक्टर में वोल्टेज जो होती है करंट को लीड करती है पाई बाई टू फेज से, ठीक है, करंट को लीड करती है पाई बाई टू फेज से। यहाँ पे क्या है, दो तरीके से लिखेंगे, आई सी लीड वी सी बाई पाई बाई टू। आई सी जो है वी सी को लीड करेगी पाई बाई टू से। अगर आई सी लीड करेगी वी सी को पाई बाई टू से, तो अगर मैं वी सी को सिर्फ इतना लिख दूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई सी को लीड कराना है तो आई सी में ओमेगा टी में पाई बाई टू जोड़ेंगे, तो आई सी बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जोड़ दिया, लीड कर दिया। क्लियर है इतना, लीडिंग में लाई। तो आई सी लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई बाई टू से, तब भी उसमें पाई बाई टू फेस के आगे है, यही तो बात है। या इसका उल्टा, कोई अगर आगे है तो दूसरा तो पीछे है ना, तो वी सी लैग कर रहा है करंट को कितने से, पाई बाई टू से, तो इसको दूसरा लिख सकते हैं। आई सी यहाँ तो लीड कर रहा है, अब वी सी को लैग दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी सी लीड बना लैग, और वी सी किसे लैग कर रहा है, आई सी को कितने फेज से, पाई बाई टू से। तो अगर आई सी आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, तो वी सी को लैग दिखाने तो नेगेटिव बनाएंगे, तो वी सी होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये होगा, ठीक है। तो वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इतनी चीज़ें हो गई, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी मैटर का बना है, तो उसमें भी अपना कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस होगा, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव नहीं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सी से डिनोट करेंगे, एक्सी से। इसके भी डायमेंशन वही आएंगे जो आपने अभी देखे थे, एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री, इसके भी वही आएंगे। इट इज़ मेजर्ड इन ओहम, इसको भी हम ओहम में मेजर्ड करेंगे। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्सी और सी का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सी होता है ना, तो यार एक्सएल था ओमेगा एल के बराबर, तो ये ओमेगा सी तो होगा नहीं, कुछ उल्टा ही होगा, तो एक्सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी, और अगर इसे खोलेंगे तो ये आएगा वन अपॉन टू पाई न्यू और साथ में सी। तो ये आप याद रखना, मार्क माई वर्ड, एक्सी तो ओहम में है और सी आपका किस में है, फैरड में। एक्सी ओहम में है और सी किस में है, फैरड में। क्लियर है, इतना याद रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अगर हम एक्सी और न्यू का रिलेशन देखें, तो एक्सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के। एक्सी जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, न्यू यहाँ है एक्सी यहाँ है, तो इन्वर्स रिलेशन आएगा ऐसा, ठीक है। या बहुत से लोग इसे सीधा भी बनाते हैं, सीधा भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, एक्सी न्यू ये। मैं सीधा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि सिर्फ वो न्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सी सिर्फ न्यू पे नहीं डिपेंड कर रहा, सी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमेशा मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ। सी की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें ऐसा पैराबोलिक पाथ भी आ सकता है, वह पैराबोला तो है नहीं, हाइपरबोला है, हाइपरबोलिक पाथ भी आ सकता है। तो इन्वर्स रिलेशन है। अब आपने एक चीज़ और देखी थी कि इन डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ज़ीरो, और अगर नीचे वाली चीज़ ज़ीरो है तो वन बाई ज़ीरो बनेगा इन्फानाइट, तो एक्सी बन जाएगा आपका इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब भाई वो पास ही नहीं होने देगा, कौन, कैपेसिटर या कंडेंसर, कंडेंसर डीसी को अपने से पास ही नहीं होने देगा, इतना इन्फानाइट उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कि वो डीसी को अपने से पास ही होने नहीं देगा, ये आपको याद रखना है। तो कंडेंसर या कैपेसिटर, कैपेसिटर या कंडेंसर, जबकि इंडक्टर पूरी तरीके से पास होने देता है, कोई अपोजिशन लगाता ही नहीं है, रेजिस्टेंस लगाता ही नहीं है, जबकि ये पूरा ब्लॉक करेगा। तो कैपेसिटर या कंडेंसर विल ब्लॉक डीसी, डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। इतनी चीज़ें आप देख लेना यार, ठीक है। यह एक क्वेश्चन देखो फिर इसमें, क्वेश्चन है अभी तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, आगे आएंगे बहुत अच्छे समझने वाले क्वेश्चन है कि
कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10^700। ये फ्रीक्वेंसी ना एसी की है, कैपेसिटर की थोड़ी है, एसी की फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन करने से थोड़ी कुछ होता है, आपको ये भी तो समझना चाहिए कि क्या चीज़ है। ये एसी की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने कैपेसिटर का, जिसको हमने एसी में लगाया है, जैसे पंखा लगा रहता है ना आपकी मेन सप्लाई से, वैसा है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यार एक्सी होता है, बराबर होता है 1/ωc के। ओमेगा होता है 2π ν, और यहाँ पे सी। तो देखो होगा क्या, एक्सी होगा 1/2π की जगह 3.14। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी दे रखी, 10^6, और कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटर है 5 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10^-6। इसे सॉल्व कर सकते हो यार, 5 2 जाए कितना होगा 10, प्लस 6 से माइनस 6 क्या होगा कैंसिल, 5 2 जाओगा 10, 10 इंटू ये आएगा 1/31.4 आएगा, नहीं आएगा, 5 2 जाए 10, 10 होगा 3.14 से मल्टीप्लाई, तो 1/31.4 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा आएगा, 3 3 जा 9 होगा, तो ये आएगा 0.03। आगे देखो 0.03 0.032 ओम के बराबर आएगा, चेक करना 0.032 ओम। ठीक है, इतना देख लेना। एक और क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज जॉइंड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मतलब जो अल्टरनेटिव सप्लाई देता है ना, एसी सप्लाई जो देगा वो। तो कैलकुलेट IRMS, IRMS निकालना है। तो यार आप खुद सोचो, बस क्या है, यहाँ एक कैपेसिटर है और ये एसी सप्लाई दे रखी कितने की, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मैंने आपको बोला था ना जो भी ये सप्लाई होगी ये कौन सी होगी, RMS है ना, तो ये ERMS हो गया या VRMS। अब तो V की आपको आदत पड़ गई तो इसे VRMS बोल दो। और ये आपकी यार फ्रीक्वेंसी है न्यू, आपको पता है जब भी फ्रीक्वेंसी 50 होगी तो ओमेगा आएगा 314 रेडियन पर सेकंड। बस आप ये देख लो कि IRMS होगा V/R, तो VRMS/R, R मतलब जो इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कौन है, जो C प्रोवाइड करेगा मतलब XC, तो XC रखेंगे। देखो I होता है एम्पियर में, V होता है वोल्ट में, R होता है ओम में, तो करंट जो होता है वोल्ट पर ओम होता है। तो ओम वाली कोई चीज़ ढूंढनी थी, ज़रूरी नहीं है वो R ही हो, R तो है नहीं यहाँ, बट R जैसा कोई तो है ना, वो कौन है, XC है। ठीक है, तो XC डाला, कन्फ्यूज़ तो नहीं हो, XC क्यों आया, क्योंकि XC यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा भैया, इसलिए आया। अब देखो VRMS ऐसी है, XC आपको पता है XC होता है, याद रख करो XC होता है 1/ωc, भूल गए, XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ωc, ये पूरा ओमेगा सी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो IRMS की वैल्यू आई VRMS इंटू ओमेगा इंटू सी। VRMS कितना है 200, ओमेगा कितना है 314, और सी की वैल्यू कितनी देर की 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10^-6, तो 314 हो गया 628, 628 बना 2 से मल्टीप्लाई होकर, और 2 0 इधर, तो 10^-4। ठीक है, 2 0 ये खा जाएगा, और 314 इंटू 2 628 इंटू 10^-4 एम्पियर आएगा। तो बहुत कम है, कितना है 0.0628 एम्पियर इतना आएगा। दोबारा देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन करता, वो आपको पता ही चल गया है ना, XC करता, बाकी सारा तो कैलकुलेट करना था और कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, गुड।